पुलिस वाले बोले वो बारिश इस सीजन में जाने का नहीं है। कितना टाइम लगेगा? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैंने वीडियो में। तो इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं खड़ा हूँ अपनी सोसाइटी के बाहर, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर के लिए। और इस वक्त गाड़ी में लड़ा था मैंने, फिर बात करते हैं। इस वक्त मैं मेरी बुलेट से नहीं जा रहा हूँ, और मेरे साथ है ये बंदा, दिख रहा है हाँ परमानेंट, क्योंकि अभी यहाँ पे अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट भी बंद है। तो एक और दोस्त का वेट करता है, उसके बाद निकलते हैं सीधा भीमा शंकर के लिए। देखो तुम पागलपन हो, आए इने नहीं मुझसे बोले मरा हो मैं तेरी अपने बिछा दूए मैं ऊंचे पहाड़ ये दोनों मालूम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आज ये जल्दी आ गया और ये लेट आया। चांद रे मैं आई हूँ तेरे लिए। तो अभी हमने मिसल पाव खा के नाश्ता कर लिया और निकलते हैं फिर आंधी के लिए। लगभग 50 किलोमीटर का सफर कंप्लीट कर लिया, 50 किलोमीटर और बाकी है, क्योंकि पुणे से लगभग 199 किलोमीटर है। तो अभी निकलते हैं आंधी के लिए। मुझसे बोले मरा हो मैं तेरी अपने बिछा दूए मैं इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा अगर तुम ना आई। हम अभी भीमा शंकर जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत अच्छा व्यू मिला, तो सोचा रुक लिया जाए, क्योंकि कहते हैं कि मंजिल में सफर के मजा होता है। तो आप ये देखो साइड से भाई, इन सांसों का देखो तुम पागलपन हो, आए इने नहीं मुझसे बोले मरा हो मैं तेरी अपने बिछा दूए मैं इन ऊंचे पहाड़ आपको। यहाँ से व्यू दिखाते हैं भाई साहब, क्या ऊंचाई है। हम लोग इतना बाइक से आए हैं ऊपर, और ये देखो यहाँ पे पूरा नीचे तो वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनके लिए कितना अच्छा होगा ना, कि हम लोग जहाँ पे घूमने आते हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं। ओ भोले गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया, और यहाँ से हम पैदल जाएंगे मंदिर तक। कितना दूर है अभी मालूम नहीं है, पता करेंगे, क्योंकि अंदर गाड़ी अलाउ नहीं है और फोर व्हीलर तो बहुत पहले ही रोक लेते हैं। तो अभी हम पैदल ही निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे इतने बादल हैं नीचे, पूरा दूर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी एक्सीडेंट होते हुए बचा था, क्योंकि अचानक से मोड़ पे एक बड़ी सी बस आ गई और उसने लाइट भी नहीं जला के रखी थी, तो मालूम ही नहीं चला कि आगे से बस आ रही है। एकदम दिल मुंह में आ गया था। अंदर से ना ऐसा सर्दी लग रही है। देखो मैं अभी शूटिंग ले रहा हूँ इसके कैमरा में। हम भी शंकर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और आगे से ले लेंगे, ले रहा है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी हम लगे हैं मंदिर की लाइन में, और काफी लंबी लाइन है। मैं सोच रहा था कि आज सैटरडे है, तो शायद
और इतना लंबा लाइन नहीं होगा क्योंकि मोस्टली सोमवार को शंकर जी के दर्शन करने सब लोग आते हैं, बट सैटरडे के डे भी बहुत लंबी लाइन है। मुझे नहीं मालूम आगे कितना लंबा है, बट देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है मोस्टली। यही वो शख्स है जो आगे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, हालांकि इतना शॉर्टकट लेके हम आगे आ चुके हैं, फिर भी तसल्ली नहीं हो रही ना आगे जा रहे हैं तो। और मंदिर के पास आ चुके हैं और ये जल मैं घर से लेके आया था और ये हमने अभी लिया है, इसने यहाँ पे लिया। तो ये रहा सामने से भी लाइन बहुत लंबी है, जिगजैग लाइन है, तो टाइम लगेगा पहुँचने में। मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां से बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं। देखते हैं आगे अंदर कैमरा अलाउ होता है तो हम अंदर ही फुटेज लेंगे, नहीं तो फिर बाहर से आपको बाबा के दर्शन जरूर कराने वाले हैं आज। और मैं खुश हूं कि यहां पे जल चढ़ाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो मैं गंगा जल घर से लेके आया था, तो मैं बाबा को वो चढ़ा पाऊंगा। तो अभी हमने दर्शन भी कर लिए और बड़ा पाव भी खा लिया क्योंकि भूख बहुत जोर से लग रही थी। और अभी हम जा रहे हैं गुप्त भीमा शंकर करके एक प्लेस है जो कि मेरा दोस्त मुझे बता रहा है, मुझे नहीं मालूम था उसके बारे में, बट चलते हैं अभी वो ट्रेक करके जाना पड़ेगा। हाँ तो ये इसको फॉलो करो। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, मैं जल लेके आया था, मैंने बहुत अच्छे से जल चढ़ा लिया वहाँ पे। और अभी देखते हैं कि आगे की रास्ता कैसी है बाबू। तो ये हमें लेके जा रहे थे काशी, क्या हुआ भैया? तो पुलिस वाले बोले वो बारिश के सीजन में जाने का नहीं है क्योंकि वो फ्लडेड है काफी, तो आप भी जाने का नहीं है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी हनुमान टेकड़ी। ये कहाँ पे? वो जो कि हम मेन गेट है ना वहाँ से लेफ्ट लेने का, वहाँ से सीधे एक हाफ किलोमीटर पे है। हाफ किलोमीटर पे है तो कुछ क्लियर नहीं है, हम वहाँ पे जाके देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो जाएंगे, नहीं तो रिस्क लेके कहीं पे नहीं जाना क्योंकि अभी महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट। क्या है उनको ये वाला पानी दिखाओ, वो अगर ओवर फ्लड हो गया ना तो लग जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जैसे कि मुंबई हो गया, रायगढ़ हो गया, ऐसे तो अभी थोड़ा रिस्क लेना जायज नहीं होगा। आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हो, जब मैं आया था तब इतनी लंबी लाइन नहीं थी क्योंकि मैं सुबह आया था। तो आपसे मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी आइए, और क्योंकि आपको लाइन थोड़ी कम मिलेगी। इस वक्त आप देखिए हमारे आसपास कितनी लंबी लाइन लग चुकी है, तो मैं यही बोलूँगा कि भाई जल्दी आओ और जल्दी पाओ वाला सिस्टम है यहाँ पे। आप लाइन देखना चाहोगे इधर से, मैं कैमरा रोटेट करके आपको दिखा दूँगा।
देख रहे हो आप, तीन तीन लाइनें लगी एक साथ और वो भी एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक। जब हम गए थे तो हमने आगे शुरू किया था, तो आप थोड़ा जल्दी आइए और जल्दी से दर्शन पाइए यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट चलता है। कितना टाइम लगेगा? तो अभी जो हनुमान टेकड़ी बोला था, अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और देखते हैं क्या है, क्योंकि ये रास्ता साइड से जंगल से जाता है और यहाँ पे और कोई नहीं है सब लोगों के अलावा। और मेरे ना कैमरे का ये माइक प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों इसमें ज़्यादा पानी जा रहा है, क्या है, वाटरप्रूफ है फिर ये माइक में पानी क्यों जा रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको भी चेक कराना पड़ेगा मुझे। परेशान हो गया हूँ मैं, लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा होगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या वेदर हो रहा है फुल जंगल के अंदर, रास्ते भूल गए ना तो पता नहीं कैसे बाहर निकलेंगे, ये सब रेमंड की वजह से। अरे किधर जा रहा भाई, चलना इधर। तो मैं ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ रेमंड होगा, क्योंकि यही लेके आया है मुझे। जिस प्लेस के लिए हम आए थे वाटरफॉल के लिए, तो वो वाटरफॉल ये है और ये उस साइड से आता है। इन सांसों का देखो तुम पागलपन हो, आए इन्हें नहीं चाहे मुझसे बोले मरा हो मैं तेरी अपने बिछा। अब निकलते हैं सीधा घर के लिए, भूख लग रही है रास्ते में और मैं गिर रहा हूँ, मैं मरा नहीं, भूख बहुत जोर से लग रही है, तो अभी कुछ अगर खाने को मिला तो रुकेंगे रास्ते में, नहीं तो फिर सीधा पुणे में।